तो नमस्कार दोस्तों, आज के जो हम वीडियो में लेकर के आए हैं, ये हमारा जो आगे का टॉपिक होने वाला है, ये चार्जिंग इधर के बारे में आपको बताने वाले हैं कि हमारे पास जैसे मोबाइल फ़ोन आते हैं तो उस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग इधर से जो प्रॉब्लम आती है उनको कैसे रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, या दोस्तों उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है जिनके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग में जो मैसेजेस आते हैं उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं जो हम लोग नहीं ठीक कर पाते। मतलब उनके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग तो होती है, लेकिन उसको जब मोबाइल फ़ोन में जब चार्जिंग लगाया जाता है तो उसमें चार्जिंग का क्या होता है, मैसेज आता है, मैसेज एरर आता है। उस मैसेज एरर की वजह से प्रॉब्लम आती है कि मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो पाती और लोग परेशान होते हैं और उसमें से कहीं उल्टा सीधा कमी को ठीक करते हैं और मोबाइल फ़ोन ठीक नहीं होता, फिर ख़राब हो जाता है। इस कारण से कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मोबाइल फ़ोन को डेड भी कर देते हैं। क्यों डेड कर देते हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि जब हमको प्रॉब्लम नहीं समझ में आती तो हम लोग उल्टा सीधा काम करते हैं, चार्जिंग आईसी को उतारते हैं, चार्जिंग आईसी को रिवॉल्व करते हैं, हीट करते हैं, लेकिन हम लोग सर्किट नहीं समझ पाते। तो आज हम लोग जो चार्जिंग का जो सर्किट समझने वाले हैं वो हम लोग एरर के बारे में समझने वाले हैं कि एरर क्या आने वाला है। आज दोस्तों जो मैं एरर के बारे में बात करने वाला हूँ, ये थर्मिस्टर के बारे में बात करने वाला हूँ कि हमारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग में थर्मिस्टर से जो प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। थर्मिस्टर में प्रॉब्लम आने का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन में एक टेम्परेचर जैसा निशान बन जाता है, आई ऐसे थर्मामीटर जैसा निशान बन करके आ जाता है और मोबाइल फ़ोन में लगता है कि टेम्परेचर का कोई ऐसा इशू आ रहा है। बोला कि थर्मामीटर टेम्परेचर डाउन, टेम्परेचर हाई, ऐसा कोई मैसेज आने लगता है, ये टेम्परेचर का साइन बन करके आता है। ज़्यादातर जो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आते हैं, सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देखेंगे जितने भी सारे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते हैं तो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में ऐसा एक थर्मामीटर जैसा निशान बन करके आने लगता है इस तरीके से। अभी दोस्तों हमारे पास, हम लोगों के पास सैमसंग का एक J7 का मोबाइल फ़ोन आया था, सैमसंग J7 प्राइम था। उस मोबाइल फ़ोन के अंदर टेम्परेचर की प्रॉब्लम आई थी, तो उस टेम्परेचर की प्रॉब्लम को हम लोगों ने कैसे रिजॉल्व किया आज मैं आपको उसका पूरा डिटेल में आज आपको वीडियो में आपको देने वाला हूँ और पूरा आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर आप काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को आप लोग ठीक कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम क्या आने वाली है, जितने भी सैमसंग A20, A30, A50 जो भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसा टेम्परेचर जैसा निशान बन कर जाता है, चार्जिंग होता है, थर्मामीटर जैसा निशान बन कर जाता है और मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होना बंद हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे रिपेयर करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग दोस्तों वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टेट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग इस तरीके से टेक्निकली कोर्स कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर और इसी तरीके से सर्किट के माध्यम से, सीमेटिक के माध्यम से हम आपको पूरा एक एक करके आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट आपको वीडियो दे रहे हैं ताकि आप सब लोग सब चीज़ों के बारे में सीख सकें और अच्छी तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर सकें। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, जो थर्मिस्टर का जो रोल होता है मैं आपको समझाने वाला होता हूँ कि थर्मिस्टर का हमारे मोबाइल फ़ोन में रोल कहाँ पर होता है, किस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन में थर्मिस्टर काम करता है और थर्मिस्टर का मोबाइल फ़ोन को सर्किट में कैसे, बॉर्नियो में कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का सिस्टम क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूँ ताकि जितने भी नए लोग होंगे उनको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपके मोबाइल फ़ोन में देखेंगे चार्जिंग के लिए सप्लाई सबसे पहले जैक से करंट चलता है, जैक से करंट चलने के बाद ये चार्जिंग की इस तरीके से पीने होती हैं, पीने होने के बाद ये सप्लाई माइनस हो जाती है, एक सप्लाई आगे बढ़ती है, कंपनी बीच में एक डायोड लगाती है, कैपेसिटर लगाती है और सप्लाई को लेकर के सीधे जा करके चार्जिंग आईसी पर डाल देती है। चार्जिंग आईसी क्या काम करती है, जितने भी सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आते हैं, सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में ये हम लोग जो केस स्टडी लेकर के आए हैं सैमसंग J7 प्राइम, सैमसंग J7 प्राइम कि जैसे मेरे पास चार्जिंग आईसी लगी हुई है, इसी तरीके से हम लोग अदर अदर बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हैं, सारे मोबाइल फ़ोन के वेरियस मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको समझाएंगे ताकि हम आपको अच्छे समझा सकें। ये प्रॉब्लम एक्चुअली होती है एक ही तरीके से, लेकिन 4-5-10 तरीके से प्रेजेंट होती है। जब 4-5-10 तरीके से प्रेजेंट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ठीक करते हैं जिसके हमको कोई प्रॉब्लम ना आए, हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों ये चार्जिंग आईसी सबसे पहली बात क्या करती है, अपने अंदर से एक सप्लाई आउटपुट करती है जिसको हम लोग वी बैट सप्लाई बोलते हैं। वी बैट सप्लाई आउटपुट होने के बाद ये सप्लाई चली जाती है बैटरी कनेक्टर के अंदर।
ये सप्लाई जब बैटरी कनेक्टर के अंदर चली जाती है तो उसके बाद फिर यही चार्जिंग आई से सप्लाई अपने पास से एक और सप्लाई आउटपुट करती है, जिस सप्लाई को हम लोग VSYS सप्लाई बोलते हैं। इसी को बाकी अदर फ़ोन क्या बोलते हैं, VPS बोलते हैं, लेकिन जो आपका सैमसंग मोबाइल फ़ोन होता है वो इसी को VSYS बोलता है। VSYS का मतलब होता है वोल्टेज ऑफ सिस्टम। ये जो सप्लाई होती है 3.7 वोल्टेज सप्लाई होती है, ये 4 वोल्ट सप्लाई होती है, यहाँ से 5 वोल्ट का इनपुट होता है। ये VSYS सप्लाई जो होती है ये तुम्हारे पावर आईसी के लिए चली जाती है। उसके बाद ये जो चार्जिंग आईसी की जो सप्लाई होती है ये अपने अंदर से एक और सप्लाई आउटपुट करती है, जिस सप्लाई को हम लोग VDD नाम से जानते हैं। ये सप्लाई 1.8 वोल्ट की सप्लाई होती है, ये कई जगह पर जाती है, मतलब मदरबोर्ड में हमारे कई जगह पर 1.8 सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। उसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ये अपने जो थर्मिस्टर सर्किट के बारे में, इसका कैसे यूज हो रहा है मैं इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। ये जो VDD की जो सप्लाई होती है 1.8 वोल्ट सप्लाई होती है, ये 1.8 वोल्ट जो सप्लाई आती है और यहाँ पर एक कंपनी एक रेजिस्टेंस लगाती है, उस रेजिस्टेंस के बाद फिर एक रेजिस्टेंस लगाती है और इस रेजिस्टेंस का एक हिस्सा ग्राउंड कर देती है। उसके बाद यहाँ से जो सप्लाई निकलती है ये सप्लाई तुम्हारी चली जाती है मोबाइल फोन के अंदर CPU के अंदर। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोल समझाने वाला हूँ कि जैसे मोबाइल फोन में होता क्या है कि यहीं पर हमारा जो होता है कंपनी थर्मिस्टर सर्किट क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है? अगर आप लोग देखेंगे कि मोबाइल फोन में जब भी आप मोबाइल फोन में चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग लगाते ही मोबाइल फोन के अंदर करंट जाता है। मोबाइल फोन में करंट जाने के बाद मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट भी जलती है, क्योंकि थर्मिस्टर का जो सिंबल आपको दिखता है तो भाई कहाँ से दिखता है, बिना डिस्प्ले के लाइट के तो दिखता नहीं है। तो कॉमन सेंस ही बात आती है कि जब भी आप मोबाइल फोन में चार्जिंग लगाते हैं तो वहाँ पर VBAT और VSYS दोनों बनते हैं। जैसे VBAT और VSYS दोनों बनते हैं तो आपके मोबाइल फोन में ग्राफिक आ जाता है, लेकिन मोबाइल फोन में ग्राफिक आ जाता है लेकिन CPU इस बात को नहीं मानता। CPU का तो भाई मैं तो नहीं मानने वाला, ग्राफिक तो लाके खड़ा कर दिया लेकिन चार्जिंग भाई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको कोई भी खाना, कोई कहीं पर भी आप जाते हो रिलेशन में, जब आपको कोई खाना खिलाता है तो खाना खिलाने के बाद एक बार खिलाता है दोबारा आपके लिए क्या कर देता है, आपसे मजाक कर देता है, तो आपको अरे भाई तुम नहीं खिलाने वाले, तुम ऐसे कहने वाले हो। तो उसी तरीके से क्या रहता है कि CPU हमारा इस चीज़ को सेंस करता है कि भाई यहाँ पर चार्जिंग का बाकी सारा सब कुछ सही है कि नहीं सही है। ये जब हमारी VBAT और VCH बनने का मतलब, ये मैं VSYS और VBAT का बनने का मतलब होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में थर्मामीटर का निशान बन गया जाता है। थर्मामीटर का निशान बनने का मतलब क्या होता है, अगर आप देखेंगे डिस्प्ले में, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि देखिए ये ऐसा निशान बन करके आ जाता है। ऐसा निशान बन के आने का मतलब क्या रहता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में लाइट भी जल गई, आपका मोबाइल फ़ोन चालू भी हो गया लेकिन चार्जिंग नहीं होगा। हाँ, अगर आपके अंदर बैटरी चार्ज है और बैटरी के अंदर दम है तो मोबाइल फ़ोन को चालू करोगे तो चालू भी हो जाएगा, लेकिन जब थर्मामीटर के निशान बनने की वजह से, मोबाइल फ़ोन में प्रेजेंट न होने की वजह से मोबाइल फ़ोन में बैटरी स्टोर नहीं हो पाती, जिस कारण से मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज नहीं होती और वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर हाँ उस मोबाइल फ़ोन की बैटरी को निकाल करके किसी अदर माध्यम से अगर आप 50% चार्ज कर दीजिए, अलग बैटरी को चार्ज कर दिए तो मोबाइल फ़ोन चालू हो जाएगा, लेकिन आज चार्जिंग से नहीं भाई चालू होने वाला। क्यों चार्जिंग से नहीं चालू होने वाला? क्योंकि उसको CPU नहीं चालू होने देगा। इसलिए मोबाइल फ़ोन में थर्मामीटर का टेम्परेचर जैसा निशान बन के आता है। अब देखिए मैं इससे प्रॉब्लम कैसे आती है मैं आपको वो भी समझाता हूँ, और प्रॉब्लम का कहाँ पर रोल है मैं उसको भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये जैसा निशान बन के आने का मतलब होता है आपका VBAT भी ओके, VSYS भी ओके। हम लोग चलो अपने सर्किट पे चलते हैं। तो यहाँ पर जब वोल्टेज 1.8 वोल्टेज बनेंगे तो यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस लगा होता है। ये रेजिस्टेंस कई मोबाइल फ़ोन में अलग अलग ओम के होते हैं। जैसे अगर J7 प्राइम की बात करेंगे तो यहाँ पर 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ भी 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। उसके बाद ये सप्लाई हमारी ग्राउंड हो जाती है, तब CPU को सप्लाई मिलती है। तो यहाँ से जो 1.8 वोल्ट सप्लाई आएगी तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस सप्लाई को कम कर देगा। मान लिया ये सप्लाई को आधा कर दे रहा है तो यहाँ पर जो आपकी सप्लाई मिलेगी कितनी हो जाएगी, 0.9 हो जाएगी। तो यहाँ से जब सप्लाई आधा हो गई तो 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस और आगे लगा दिया तो उस सप्लाई को वहाँ पर क्या कर दिया, नगन, मतलब कुछ नहीं। मतलब यहाँ से 1.8 का आधा निकला कितना, 0.9। मतलब वहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं वो रेजिस्टेंस ऐसे मान के लगाए जाते हैं कि अगर मान लिया यहाँ से 2 वोल्ट निकलेगा तो इतने ओम का रेजिस्टेंस लगाया जाएगा सप्लाई को आधा कर दे,
फिर दूसरा रेजिस्टेंस जो लगाया जाएगा वो इतनी पावर का लगाया जाएगा कि वो बिल्कुल ख़त्म कर दे, ताकि आगे करंट ही ना निकले। अब यहाँ पर बात आती है इस टेम्परेचर काम कैसे करता है। यहाँ पर जब आपकी सप्लाई आती है तो ये वोल्टेज कम होते हुए यहाँ से वोल्टेज 1.8 आएंगे, इसके माध्यम से यहाँ पर 0.9 वोल्टेज हो जाएंगे, तो सीपीयू को 0.9 वोल्टेज मिल गया, ताकि सीपीयू कहता भाई सही है चार्जिंग होनी चाहिए। अब अगर ये जो रजिस्टर जो थर्मिस्टर यहाँ पर रजिस्टर लगा होता है, इस थर्मिस्टर रजिस्टर की मैं आपको कहानी बताता हूँ, ये थर्मिस्टर रजिस्टर काम कैसे करता है। असलियत में रिपेयरिंग के मामले में यही लोग नहीं जानते कि हमारे कंपोनेंट्स काम कैसे करते हैं। इसके ऊपर मैंने कंपोनेंट्स काम करने का तरीका क्या होता है, इसके वर्किंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाकर डाला है, पूरा डिटेल से अच्छे समझाया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि थर्मिस्टर हमारा काम कैसे करता है। ये हमारा जो थर्मिस्टर रजिस्टर होता है, होता क्या है कि जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में यहाँ से करंट आता है, मान लिया आपने यहाँ पर 10 वोल्ट दिया, 10 वोल्ट देने के बाद ये रजिस्टर का क्या स्वभाव होता है, करंट को कम करना। जाहिर सी बात है करंट को कम करेगा तो 10 का कितना निकालेगा, 5 वोल्ट निकालेगा। लेकिन जो थर्मिस्टर रजिस्टर होता है, उस थर्मिस्टर रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे ही अगर आपका हीटिंग बढ़ेगा, जैसे ही हीटिंग बढ़ेगा तो हीटिंग बढ़ने पर इसकी वैल्यू कम हो जाती है। हीटिंग बढ़ने पर इसकी वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि इसका करंट फास्ट हो जाएगा। अगर मान लिया तुमने यहाँ पर 10 वोल्ट करंट दिया, और अगर नॉर्मल रजिस्टर तो सीधे 5 देगा, मोबाइल फ़ोन को चाहे कितना भी गर्म काहे ना कर दो लेकिन अपना काम वही करेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो थर्मिस्टर रजिस्टर है उसका रोल समझिए, वो क्या काम करेगा, जैसे 10 वोल्ट करंट देंगे तो 5 वोल्ट ही निकालेगा। लेकिन अगर मान लिया तुमने इसको गर्म कर दिया, हीटिंग दे दिया, टेम्परेचर वातावरण में रख दिया, धूप में रख दिया, या मोबाइल फ़ोन चलते चलते अपने मन से ही गर्म हो गया, अगर ये मोबाइल फ़ोन गर्म हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, करंट को ज़्यादा निकाल देगा। जब करंट को ज़्यादा निकाल देगा तो 10 को 5 नहीं निकालेगा, 10 को 10 भी निकाल देगा। क्यों? क्योंकि खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर इसी बात को देखते हुए कंपनी यहाँ पर जो थर्मिस्टर, जितने भी थर्मिस्टर लगे होते हैं, उस थर्मिस्टर का 100% क्या रहता है कि उसका एक सीधा ग्राउंड होता है, एक सीधा ग्राउंड होता है, और एक सीधा कहाँ से जुड़ा होता है, सप्लाई से, ताकि जो भी आपका 0.9 वोल्टेज जो सीपीयू को मिल रहा था, अगर कल को ये थर्मिस्टर तुम्हारा मोबाइल फ़ोन गर्म होगा तो गर्म होते ही क्या हो जाएगा, इसके मान में चेंजेस हो जाएंगे। इसके मन में चेंजेस होने का मतलब क्या होता है, 0.9 वोल्टेज सीधे ग्राउंड कर देगा। जैसे ही 0.9 वोल्टेज ग्राउंड हो जाएंगे तो सीपीयू को समझ में आएगा कि भाई कोई वोल्टेज नहीं आ रहे। जब कोई वोल्टेज नहीं आ रहे तो सीपीयू को मतलब ये समझ जाएगा कि अपने कोड से समझ जाएगा कि मतलब हमको जब इस पिन पे अगर कोई वोल्टेज ना आने का मतलब है कि भाई गड़बड़ी है, और मोबाइल फ़ोन या तो गर्म हो रहा है या तो हो रहा है। अब ऐसा तब भी हो सकता है कि जब आपके मोबाइल फ़ोन में सीपीयू खुद गर्म होने लगे। इसीलिए थर्मिस्टर जो होते हैं मोबाइल फ़ोन में तीन ही जगह पर लगे होते हैं, या तो चार्जिंग के बैटरी कनेक्टर के पास में लगे होते हैं, पावर आईसी के पास में लगे होते हैं, सीपीयू के पास में लगे होते हैं, या तो चार्जिंग सर्किट में पास में लगे होते हैं। क्यों? इसीलिए लगे होते हैं क्योंकि मोबाइल फ़ोन में करंट का फ्लो यहीं पर होता है। जैसे हमारे घर में सबसे ज़्यादा करंट कहाँ पर आता है, जहाँ से मेन लाइन आए। मेन लाइन के बाद कहाँ पर आता है, जहाँ से इन्वर्टर लाइन आए। उसके बाद कहाँ पर आता है, जहाँ पर हैवी लोड हो, जैसे आपके घर में समर लगा है, फ्रिज लगा है, तो वहाँ पर करंट का हैवी यूज है। तो जहाँ पर हैवी यूज होता है तो वहीं पर ये कंपनी क्या काम कर देती है, थर्मिस्टर को मोबाइल फ़ोन में ऐसे रख देती है, लगा देती है कि चलिए भाई कि अगर गर्म होगा तो आप भाई गर्म को समझना, और गर्म को समझने के बाद वोल्टेज को ग्राउंड कर देना, तो इस लाइन में क्या हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये जो अपना सर्किट बना होता है, इसी सर्किट को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो होता है, ये सर्किट क्या काम करता है कि ये हमारे वोल्टेज को ड्रॉप आउट करता है, और इसी सर्किट में हमारा क्या लगा दिया जाता है, थर्मिस्टर लगा दिया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी समझ में आएगी, थर्मिस्टर कैसे काम करता है, कि चार्जिंग पे कहां पर इसका क्या रोल रहता है, कि सबसे पहले चार्जिंग की सप्लाई आएगी, चार्जिंग आईसी पे जाएगी, चार्जिंग आईसी से वी बैड वी सिस बनेगा, वी सिस के बाद ये सप्लाई आउटपुट होगी, और ये वीडीडी सप्लाई यहाँ से निकलने के बाद रजिस्टर के माध्यम से सप्लाई कम होगी, फिर सप्लाई आगे जाएगी। अब इसी दोस्तों हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, जरा पीसीबी में देखते हैं, सर्किट में देखते हैं, सिमेटिक में देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने ऑन स्क्रीन पर, और इसी सर्किट को मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए दोस्तों,
तो दोस्तों ये सारा जो डिटेल में वीडियो हम आपको इसीलिए बनाते हैं ताकि आप सारी प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकें और प्रॉब्लम को आप जड़ से जड़ तक समझें और प्रॉब्लम को आसानी के साथ में ठीक करें। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, हम लोग सिमेटिक पे चलते हैं। सिमेटिक को ओपन करिए। सिमेटिक ओपन होने के बाद आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, हमारे मोबाइल फोन में थर्मिस्टर बहुत सारे नहीं लगे होते। थर्मिस्टर हमने आपको क्या बताया कि गर्म होता है तो ही काम करता है, नहीं तो कोई काम नहीं। तो इसीलिए क्या है कि ये टेम्परेचर के लिए ही लगाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो थर्मिस्टर सर्किट बनाया जाता है कि उसी लाइन में ही इसका उपयोग किया जाता है। ना तो कोई कंपनी कैमरे के लिए इस्तेमाल करती है, ना कोई रैम के लिए, ना किसी और ओमनो के लिए, ना नेटवर्क के लिए, किसी काम के लिए नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ इसी सर्किट में इस्तेमाल होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, सीधे ऊपर सर्किट में जाएंगे और यहाँ पर सर्किट में जैसे ही आप TH टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, TH, आप सिमेटिक में जाइए। सिमेटिक में जाने के बाद सिमेटिक ओपन करिए। बिल्कुल सिमेटिक ओपन करने के बाद TH टाइप करिए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो TH के बाद आपका TH ये शो कर देगा। क्या TH शो कर देगा, देखिए ये हमारा थर्मिस्टर ओपन हो गया है। अब थर्मिस्टर में होता क्या है कि जैसे मैंने दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये हमारा 1.8 वोल्ट सप्लाई आती है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ। ये हमारा क्या होता है, 1.8 वोल्ट सप्लाई आती है। 1.8 वोल्ट सप्लाई आने के बाद एक रेजिस्टेंस पर सप्लाई आती है, ये भी 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पर जो सप्लाई आती है, एक बीच में सेंट्रल पॉइंट आता है, सेंट्रल पॉइंट से भी सप्लाई निकलती है और ये सप्लाई तुम्हारी चली जाती है CPU के लिए, सप्लाई चली जाती है जिससे तुम्हारा CPU सेंस करता है। और ये सप्लाई अगर आप देखेंगे तो एक ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाता है। किससे कनेक्ट हो जाता है, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है। तो ये आपका जो लगा हुआ है ये थर्मिस्टर, इस पे नहीं लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ना थर्मिस्टर। तो ये थर्मिस्टर जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर थोड़ा सा स्पेशल टाइप में बनाया जाता है कि इस तरीके से रजिस्टर होता है, कंपनी इस पर गोला कर देती है। गोला करने का मतलब क्या है, जैसे हीटिंग पड़ेगी तो गोला एक हो जाएगा और वोल्टेज पूरा नीचे चला जाएगा, वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका जो डिवाइडर सर्किट का, मान लिया जैसे 1.8 वोल्टेज था, जो आधा वोल्टेज 0.9 वोल्टेज बन रहा था, वो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा। जब बिल्कुल ग्राउंड हो जाएगा तो आगे जो CPU को वोल्टेज मिल रहा था, CPU को वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो जब CPU को वोल्टेज नहीं मिलेगा तो CPU तुरंत प्रॉब्लम को समझ जाएगा, भाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम है और आपके मोबाइल फ़ोन में थर्मामीटर जैसा निशान बन करके आ जाता है और चार्जिंग होना बंद हो जाती है। तो अगर ये रजिस्टेंस ख़राब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये रजिस्टेंस जो पहली बार तो देखेंगे पैलर पोजिशन में लगा है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम इस रजिस्टेंस को मोबाइल फ़ोन में जब हटा देते हैं तो हटा देने से ही हमारे मोबाइल फ़ोन में थर्मिस्टर रजिस्टर को हटा देने से ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये थर्मिस्टर रजिस्टर जो होता है कहीं भी लगा होता है, ब्लैक कलर का होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, उठा होता है। इसका काम क्या रहता है कि जैसे हीटिंग होगा तो वोल्टेज को पास कर देगा, अगर हीटिंग नहीं होगा तो अपना नॉर्मल काम करता रहेगा। अच्छा, ये लगाया भी इसीलिए जाता है कि ताकि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होते होते मोबाइल फ़ोन गर्म हो गया, जल गया, फूक गया, बर्न हो गया, तो कंपनी उसको थर्मिस्टर का निशान बना देती है ताकि चार्जिंग आईसी उस वोल्टेज को कट कर देती है और वोल्टेज चार्ज होना बंद हो जाता है और आपका मोबाइल फ़ोन सेफ रहता है। क्यों सेफ रहता है, इसी की वजह से सेफ रहता है क्योंकि वोल्टेज को डाउन कर देता है और चार्जिंग बंद हो जाती है। तो ये आपका थर्मिस्टर लगा हुआ है। तो अगर थर्मिस्टर ख़राब हो जाता है तो हम लोग कई बार इसको क्या काम करते हैं, मदरबोर्ड से इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट होने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर आपको ये थर्मिस्टर लगाना पड़ता है। ये थर्मिस्टर जो होता है इसकी भी एक अपनी प्रॉपर वैल्यू होती है। अगर आप देखेंगे कि जैसे ये 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है तो ये भी जो रजिस्टर लगा है ये भी आपका समथिंग 100 किलो ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है। तो 100 किलो ओम का रजिस्टेंस लगा है, अगर आप इसको हटा देते हैं थर्मिस्टर को ओपन करिए जरा। आप सर्किट में पहले दिखाइए। जी, तो ये थर्मिस्टर रजिस्टर जो होता है ये खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस थर्मिस्टर रजिस्टर को क्या करते हैं, हटा देते हैं।
हटा देने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर क्यों प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व हो जाती है, क्योंकि लाइन को शॉर्ट कर देता है, वोल्टेज जाना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अगर ये ख़राब हो जाता है तो हम लोग हटा देने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब होता है उसका ग्राउंड से कनेक्शन खत्म हो जाता है। अगर उसके बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मान लिया 100 किलो ओम का एक और रेजिस्टेंस किसी दूसरे बोर्ड से, अगर 100 किलो ओम का नहीं है तो 90 किलो ओम का, 120 किलो ओम का, समथिंग 19-20 अनुपात में अगर रजिस्टेंस को यहाँ पर निकाल करके लगा देते हैं तो रजिस्टर को निकाल के लगाने से हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन फिर उस मोबाइल फ़ोन से ज़िंदगी भर के लिए थर्मिस्टर का काम ही ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी दूसरे रजिस्टेंस में नहीं हो सकती जो उस थर्मिस्टर के अंदर ही होती है। थर्मिस्टर भी एक तरीके का मोबाइल फ़ोन के अंदर रजिस्टर होता है। थर्मिस्टर का अगर देखा जाए तो दो तरीके के रजिस्टेंस आते हैं, एक NTC आता है, दूसरा PTC आता है। NTC का पूरा नाम होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, PTC का पूरा नाम होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। एक रजिस्टर ऐसा होता है कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो सप्लाई निकालना शुरू कर देता है, एक ऐसा होता है जब सप्लाई ठंडा हो जाता है तब सप्लाई निकालना शुरू कर देता है। तो PTC रजिस्टर होते हैं वहाँ पर लगे होते हैं जहाँ पर कूलिंग वातावरण हो, NTC रजिस्टर वहाँ पर लगे होते हैं जहाँ पर हीटिंग वातावरण हो। तो दोनों रजिस्टर का अपना अपना उपयोग होता है। तो फिलहाल अगर हम इसकी जगह पर नॉर्मल रजिस्टेंस लगा देंगे तब भी हमारा काम हो सकता है, लेकिन फिर थर्मिस्टर का काम खत्म हो जाएगा। और अगर हम लोग थर्मिस्टर लगा देंगे तो वेल गुड, हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसी को हम अपने बोर्ड में देखते हैं। तो सर आप इसके बोर्ड व्यू में जाइए, जरा लेआउट में जाइए, लेआउट में ओपन करेंगे। लेआउट में जाने के बाद आप इस पर लेआउट में खोलिए। लेआउट खोलने के बाद आप थर्मिस्टर की पोजीशन को यहाँ पर दिखाइए। अगर आप थर्मिस्टर का नंबर देख रहे हैं TH4001 था, उसी TH4001 को देखेंगे तो यहाँ पर ये लगा हुआ है। ये कहाँ लगा हुआ, ये हमारा माइक लगा है, माइक के पास में एक रेजिस्टेंस लगा है, एक ये भी नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह होता है, लेकिन जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है उसे थोड़ा सा उभरा हुआ और लंबा मोटा चौड़ा होता है। तो जैसे उंगली और तिरछी और इस उंगली में, कि ये उंगली से ये उंगली हल्की सी मोटी होती है, ये पतली होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रजिस्टर में से इस थर्मिस्टर को क्या करेंगे, हटा देंगे, उसकी जगह पर दूसरा लगा देंगे। कई बार पहली बार तो हटाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अगर हटाने से ही हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यूट्यूब में गूगल में कहीं भी वीडियो देखेंगे तो J7 Prime में तो ज़्यादातर 90% कहते हैं इस वाले रजिस्टर को हटा दीजिए, बस थर्मिस्टर की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग मदरबोर्ड में देखते हैं। थोड़ा सा जूम करिए, आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी पोजीशन को, अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक छोटा सा थर्मिस्टर रजिस्टर लगा हुआ है। अगर ये आपके मोबाइल फोन में खराब हो जाएगा तो बैटरी टेम्परेचर की प्रॉब्लम आएगी। तो बैटरी टेम्परेचर थर्मिस्टर जो सिंबल बन करके आता है, तो ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से आती है, यहाँ से आती है। चार्जिंग लगाने पर अगर थर्मामीटर जैसा निशान बन करके आता है सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में, तो इससे खराबी आती है, जिसके कारण से हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने भी हमारे पास सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आते हैं, तो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में अगर उसमें टेम्परेचर जैसा निशान बन के आता है, टेम्परेचर जैसा सिंबल बन करके आता है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पूरा टोटल वीडियो आपको दिया हुआ है। और आज की वीडियो जितने भी सारे जो लोग रिपेयरिंग करने वाले हैं तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है, कि वो उनके लिए बहुत मदद साबित होगी कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आसानी से प्रॉब्लम को कैसे आप रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आपने जो देखा, इस वीडियो को एक बार दो बार अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। और इसके माध्यम से जब आप मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करेंगे तो मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने में आपके लिए मदद रहेगा, और टेम्परेचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो से बने रहें, चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको चैनल से जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरीके के जो वीडियो हम आपको बनाते हैं वो वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। और भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मैसेज आता है, तो नीचे आप कमेंट में मैसेज ज़रूर करें, ताकि आप ही लोगों के जब पॉजिटिव मैसेज आते हैं तो हमको सिखाने में भी अच्छा लगता है और आपको सीखने में भी अच्छा लगता है, ताकि इन संबंधित आपको वीडियो आपको मिलते रहें।
तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग आगे की वीडियो मिलेंगे, आगे थर्मिस्टर की प्रॉब्लम को समझेंगे, आईडी की प्रॉब्लम को समझेंगे, चार्जिंग की प्रॉब्लम में मैं आपको पूरा डीप लेवल के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ, ताकि इन सब चीज़ों को देख करके आप ये समझ सकें कि हमको यहाँ पर जब ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो किस तरीके से आपको ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएंगे, कैसे आपको कॉन्सेप्ट बाई स्टेप आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.